नमस्कार, मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ फैशन जगत की एक ऐसी हस्ती से जिसके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आज मेरे साथ हैं सभ्यसाची। सभ्यसाची जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। सभ्यसाची जी के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आपने बिग बॉस के सीजन 11 में देखा होगा तो काफी लड़ाइयां होती थी। हाँ, घर में होती हैं, जैसे आमतौर पर किसी भी घर में तू मैं हो जाता है, भाई बहन में होता है। यहाँ पे अपने अपने कैरेक्टर्स के लिए होता है बिग बॉस के घर में। और पहले दिन जैसे आप बहुत दिनों बाद मिलते हो तो बड़े प्यार से मिलते हो, क्या गिफ्ट लाए हो, क्या कैसे, उसके बाद तो शुरू हो जाता है ना असलियत। तो अगर आपने मेरा ऑडिशन देखा होगा जो यूट्यूब पर भी है, तो एक मैं मेकअप लगा के औरत बन के आया था, फिर एक एक मेकअप उतार रहा था, एक एक जेवर उतार रहा था, क्योंकि जो असलियत है वो उस घर में दिखता है। वक्त के साथ चेहरा बदल जाता है और वो सारा जो रियलिटी है वो बाहर आ जाता है। तो आप पहले से जानते थे कि यहाँ वक्त के साथ चेहरे बदलेंगे तो मैं अपना एक एक चेहरा उतारता जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि चेहरा उतर जाता है वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि वही होता है वहां पे। और अगर आप जो हो सो हो और वैसे ही रहोगे तो आपको उतारने की जरूरत नहीं है चेहरा, ना कि पहनने की जरूरत है मुखौटा। आप सब लोग हैरान होंगे कि मैं फैशन की बात कर रही थी और बिग बॉस के घर पे पहुंच चुकी हूं, लेकिन यहाँ बिग बॉस का घर इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि सभ्यसाची को लोगों ने वहां से जाना कि वो असल में है क्या। तो आज मैं भी जानना चाहूंगी, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि सभ्यसाची कौन है। एक सिंपल सा इंसान जो कोशिश करता है, जीतता है, हारता है, रोज लड़ता है, सबसे प्यार करता है, सबसे प्यार की उम्मीद रखता है। सिंप्लिसिटी में बिलीव रखता हूँ मैं, और मुझे लगता है कि जो हमारा, जैसे मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ तो मैं हैंडलूम के ऊपर ही बहुत डिज़ाइन करता हूँ। हमारे देश के हैंडलूम की जो यू नो साड़ीज़ हैं या फिर फैब्रिक्स हैं वो लोगों के पास नहीं पहुँच पाते, कुछ गवर्नमेंट के स्टोर्स में रह जाते हैं और वो रह के डेड स्टॉक भी हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। जैसे एक साड़ी में एक फोल्ड आ जाता है तो सालों साल रह रहे के वो फट भी जाता है। तो हमारे हैंडलूम इतने खूबसूरत हैं कि हमें किसी बाहर देश की कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत डिज़ाइनर्स हैं जो कि कोरिया से, जापान से, चाइना से सब फैब्रिक लाते हैं। हम यहाँ पे स्वदेशी बात करते हैं, हम यहाँ पे अपने देश का जो भी है उसके लिए बात करते हैं और पहनते हैं बाहर के देश का। सो बेटर है, जैसे मैंने ये कफ्तान जैसे बना दिया है, थोड़ा वेट पुट ऑन कर दिया है तो लूज़ पहन रहा हूँ मैं, बट ये आप ही के MP का ही है। तो आप सोचिए कि एक ही एक ही कंट्री में इतने सारे फैब्रिक्स हैं, इतने सारे चीज़ें हैं, हम उससे प्रमोट नहीं करते, हम उससे आगे नहीं बढ़ाते, हम उसे इंटरनेशनल नहीं लेके जाते। तो मैं सिंपल सा इंसान, इस देश को जानता हूँ, मेरे मिट्टी को जानता हूँ, उसके हिसाब से काम करता हूँ। सभ्यसाची जी को तो लोग फैशन डिज़ाइनर के रूप में जानते ही हैं और बिग बॉस में इनकी जो ख्याति थी उस ख्याति पर हम फिर आ जाते हैं। और बहुत परेशान किया था अर्शी ने आपको, हमारे भोपाल की आवाम। अर्शी अच्छी है, बहुत मज़ेदार है, बहुत चुलबुली सी है, एंड बहुत दिनों से टच में भी नहीं है, वो भी है क्योंकि सब अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। भोपाल आए थे तो कोशिश नहीं की उसे? वो थोड़ी ना भोपाल में होती है हमेशा, वो बॉम्बे दुबई कहीं ना कहीं घूमती रहती है। कभी कभार उसका रील देख लेता हूँ, पता चलता है कि कहाँ है या फिर कहाँ नहीं है। हाँ, भोपाल आने के टाइम ज़रूर जहन में आया था कि अरे यहाँ पे मैं बहुत सालों पहले आया था, अर्शी का है, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस यहाँ से गए हुए हैं, जैसे सुपर मॉडल हैं, एक्टर है शावर अली, देन सारा है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ से। एंड भोपाल का तो लाइक ग्रीनरी एंड ब्यूटी अलग है। सो सिर्फ अर्शी क्यों, पूरा भोपाल ही हमारा है। पूरा भोपाल आपका है। अच्छा, बिग बॉस में फेवरेट कौन था आपका? ये 5-6 साल हो गए हैं, अभी सीजन 17 आने वाला है, नेक्स्ट मंथ आई थिंक वो प्रोमोज भी चालू हो जाएंगे। हर एक इंसान में खूबियाँ होती हैं शिफाली जी, और सब में अच्छाइयाँ हैं, कोई बुरा था ही नहीं, मेरे साथ किसी ने बुरा नहीं किया, ना झगड़ा किया। बट आप रोए थे। मैं याद करके रोया था कि घर में क्या हो रहा था, मेरे मम्मी पापा का तबीयत तभी खराब था तो वो बिग बॉस में बताते नहीं है, तो क्या हो रहा था, वो छोटे मोटे चीजें आ जाती है। अब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, एक आम आदमी है, आंसू आ ही जाते हैं, नेचुरली आ जाएगा। और वहाँ पे हमारे सीजन में 165 कैमरा थे तो कहीं ना कहीं कुछ भी करोगे दिख जाता था वो। तो रोना उस बात का भी था कि यार, हाँ थोड़ा रो लो, कभी अकेले यू नो यू फील लोनली, और जब पता चलता है कि सब अपना गेम में लगे हुए हैं तो लगता है कि यार कहाँ आ गए हम। बट शायद जिंदगी का मतलब वही है कि आप जैसे हो, जहाँ हो, उससे लड़के जियो, जीतो जिंदगी में। हम
सेलिब्रिटीज की बात करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे इनकी दुनिया, इनकी जिंदगी बहुत अलग होगी, लेकिन बहुत आम इंसान होते हैं। आपके भी माता पिता और एक बड़े भाई साहब हैं, जो दो बड़ी बहनें हैं, मेरा एक पोता भी है, बिकॉज बड़ी बहन की जो दीदी की बेटी है, मेरी भांजी, उसका बेटा है 2-3 साल का। तो अभी तो आप बैचलर हो और लाइन लगी होगी। कोई लाइन नहीं लगती है, ये लगता है सबको कि ऐसा होता है, दुनिया बहुत आम सी जिंदगी है, उसमें बिजी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आम सी जिंदगी कहना तो भी गलत होगा, खास जिंदगी है, सिर्फ हमारी नहीं सबकी है। आप बना के तो देखे उसे खास, हम आम रह सकते हैं, हम खास बना सकते हैं। सो वी ऑल गो एज अ यू नो रिवर फ्लो करते रहते हैं, जो आया जैसे आया, जैसे आप मुझे यहाँ पे मिली, बात कर रहे हैं आज, इंटरव्यू कर रहे हैं, तो दिस इज द फ्लो ऑफ लाइफ। पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं तो आपने बिग बॉस पे एक बहुत बड़ा खुलासा किया था अपनी पर्सनल लाइफ का, वो एकदम से भावुक हो गए थे आप, या सोच कर आए थे कि आज बिग बॉस का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं अपने मन की बात वो बता दूं जो लोग ना समझेंगे और ना समझ पाएंगे। जी कौन सा वाक्य बोल रहे हैं आप बताइए, बहुत सारी चीजें बिग बॉस में दिखाते भी नहीं है, बहुत सारी चीजों को ऐसे दिखा देते कि आप समझ भी नहीं पाओगे क्या हो रहा है। जो दिखाया वो पार्ट आपको पता होगा। खुलासा एज इन अबाउट द लव स्टोरी दैट आई वांटेड टू चेंज माय सेक्स और समथिंग, वो एक एक हो जाता है टीनेज में कि आप कुछ भी कदम उठाने के लिए कोशिश करते हो क्योंकि आपको इतना प्यार है। मैंने वहाँ पे एक चीज़ भूल गया था कहना, क्योंकि वो इतने अचानक से सवाल पूछा था और ऑडियंस देख रही है हमें पता नहीं है, दुनिया देख रही है हमें पता नहीं है। मैंने एक्चुअल में सोचा था कि मैं अपना जेंडर चेंज कर दूँ क्योंकि उस इंसान को हासिल करना लाइक नहीं होगा नहीं तो। एंड देन When I looked at my parents, मैंने कहा कि जिन्होंने मैं जैसा हूँ उससे प्यार करते हैं, मैं उसे बदल के करूँ तो वो इंसान कितना स्वार्थी होगा जो मुझे एक्सेप्ट करेगा, और इनको छोड़ के मैं दुनिया में इसके लिए बदल जाऊँ तो बेटर है, जैसा पैदा हुआ है, जैसा भगवान ने किया है, जैसा दिल दिया है, सबसे प्यार करो, एक नहीं तो क्या हुआ लाखों है। आप बेहद हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं और नो डाउट इंटेलिजेंट भी बहुत है। लेकिन शादी कब? नहीं, शादी शुदा लोगों की ज़िंदगी देखता हूँ, बहुत लोग लाइक खुश हैं। मैं लोगों को समझाता हूँ कि हमारे पेरेंट्स को देखो, लड़ना झगड़ना एक बात होता है, बट सोसाइटी में फैमिली करके रहना, सबको बड़ा करना, अच्छे से रहना, वो सारे आई थिंक बहुत पहले के ज़माने में था। आजकल एक टॉपिक चल रही थी कि कुछ लोग तो शादी करते हैं कि 6 महीने में डिवोर्स लेंगे और एलिमनी लेंगे, कुछ लोग शादी करते हैं और ये कह के कि इकलौता होना चाहिए लड़का, माँ बाप पास में नहीं आएंगे, आएंगे तो 1-2 दिन आएंगे साल में, ये सारे शर्तें रखते हैं लोग। शर्तों में कोई भी रिश्ता नहीं जमता है। बट अगली पार्ट के आगे एक बहुत खूबसूरत पार्ट भी होता है शादीशुदा जिंदगी का, वो लड्डू मुंबई वाला है ना। लड्डू खाने में भी अच्छा लगता है, खाने से भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो जैसे चॉइसेस हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होते हैं, कुछ चीज़ें भगवान तो करती हैं, सब कुछ चॉइसेस हमारे हाथ में, हम किसे चुनते हैं, क्या करते हैं। मैंने नहीं चुना किसी को। सब्यसाची जी शादी नहीं करेंगे, बहुत मायूसी भरी बात है उन लड़कियों के लिए जो शायद सोच रही हूँ कि कभी तो मिलेंगे। खैर अब हम बात फैशन वर्ल्ड की करते हैं, आपके काफ़ी सारे स्टोर्स हैं इंडिया। मुझे मुझे एक बात बताइए शादी के बारे में, जब आपने बोला आजकल तो सेम सेक्स मैरिजेस भी होते हैं, आजकल तो लीगलाइज हो गया है LGBTQ, तो अगर कौन किससे पसंद करता है उसके ऊपर पाबंदी ना रहे, इंसान इंसान से पहले प्यार करें। आजकल तो एक बियर बॉटल के लिए लोग मार देते हैं एक दूसरे को, गला काट देते हैं, चोरी करते हैं करते, एटलीस्ट प्यार तो कहीं तो रहे, कहीं तो रिश्ता बने। भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है, भाई भाई में ज़मीन का वो हो जाता है, हर जगह अगर स्वार्थ है तो जहाँ पे स्वार्थ नहीं सिर्फ प्यार है, वो कोई भी रिश्ता हो वो प्यार होना चाहिए। मतलब सीधा सीधा ये है कि आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करना जरूरी है, नहीं तो प्रलय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी से प्यार नहीं करता है, सब अपने स्वार्थ से जीते हैं। आपके डिजाइन के बहुत लोग दीवाने हैं जी, लोगों को पसंद आता है, एक ब्रांड है, तो आपका सबसे अच्छा ड्रेस जो आपने किसी को पहनाया हो और आपको लगा हो बस यही था? कभी ऐसा नहीं होता कि बस यही था, और भी अच्छा हो सकता था ऐसा लगता है, बिकॉज डिस्कशन होती है, क्लाइंट से बातचीत होती है कि उन्हें कैसा क्या चाहिए,
उनको लगा कि जितना हमें एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा अच्छा हुआ है, तो एक तसल्ली मिलती है, खुशी होती है। नहीं तो ये ऐसा भूख है कि आप जितना भी अच्छा कर लो आपको लगता है कि और बेहतर होगा, और बेहतर होगा। एंड क्रिएटिविटी और ये भूख की कोई सीमा नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि कोई सबसे अच्छी क्लाइंट ऐसा कौन है जो सिर्फ आप ही और आपको लगता है कि इनको पहनाने के बाद मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलता हो। नहीं ऐसे नहीं, वही कहा ना मैंने कि हर एक इंसान अलग अलग दिखता है, अलग अलग पोशाक में, अलग अलग गेटअप में। आजकल तो मेकअप और हेयर स्टाइल ऐसे करते हैं लोग कि हर एक कोई सेलिब्रिटी और हीरोइन और हीरो दिखते हैं। तो नॉट एनीबडी इन पर्टिकुलर शिफाली जी, हर एक इंसान खूबसूरत दिखता है। आप उससे खूबसूरत बनाइए, आपके हाथ में है कि अगर मेकअप आर्टिस्ट कोई है तो कैसा मेकअप करता है, हेयर स्टाइलिस्ट है तो कैसे करता है, अगर डिजाइनर है तो क्या पहनाता है। आप बेसिकली उड़ीसा के हों जी, और बहुत खूबसूरत सिटी राज्य है। हाँ बहुत खूबसूरत है, और वहाँ पर अपने जगन्नाथ जी भी हैं, तो बहुत सारे आपके कपड़ों में देखने में आता है, वो पूरा पूरी नजर आता है। क्या रहती है सोच आप? मेरे कपड़ों में उड़ीसा नजर आता है, बिकॉज आपने अगर नोटिस किया होगा, मैं बिग बॉस में जब पहन के गया था, सफ़ेद धोती, एक सैफरन कलर का कुर्ता और एक शॉल पहना था, जो कि डोंगर या ट्राइबल शॉल है। उड़ीसा प्राइमरीली एक ट्राइबल स्टेट है एंड एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, फार्मर स्टेट है। तो ये डोंगरिया शॉल जो होता है वो अपने विंटर्स के लिए बुनना शुरू कर देते हैं, विंटर के ख़त्म होते हैं नेक्स्ट विंटर के लिए, तो ये अपने हाथों से बनाते हैं। वो जो आर्ट और वो जो कल्चर है वो लुप्त होने लगा है। अभी धीरे धीरे ट्राइबल मिनिस्ट्री कुछ कर रहे हैं, उसके उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, ऑल द स्टफ। सो मैं वो पूरा उड़ीसा रिप्रेजेंट कर रहा था कि वी आर अ पीस लविंग स्टेट। वाइट धोती, जगन्नाथ धाम चारों धामों में से सबसे बड़ा धाम, तो ऑरेंज सैफरन हिंदुत्व को, ये सनातन को ये कहता स्टैंड करता है, और वो डोंगरिया शॉल पहना था, ट्राइबल स्टेट को बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैं पूरा उड़ीसा बन के ही गया था। हमने देखा था कि बिग बॉस के स्टेज पर जब एंट्री हुई थी सब्यसाची जी की, तो पूरा उड़ीसा जो है वो नजर आ रहा था, और लगा था कि राज्य से प्यार क्या होता है। जी राज्य से बहुत प्यार है, मातृभूमि से बहुत प्यार है, मेरे देश से बहुत प्यार है, बट व्यापार के लिए आपको विदेश जाना पड़ता है। हमारे स्टेट का एक कल्चर है बाली यात्रा, एक यात्रा होता है जहाँ पे स्पाइसेस जाता था बाली को, इंडोनेशिया को, वहाँ से कुछ स्पाइसेस आते थे। तो ये बहुत सालों पुराना, लाइक बहुत 100, 150, 1000 साल पहले की बात है। सो जब वो तब था और कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, फिर भी लोग जाके व्यापार करते थे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ उड़ीसा तक सीमित या फिर भारत तक सीमित नहीं होना चाहिए, देश विदेश में नाम होना चाहिए, हमारे चीज़ों को पहचाना जाना चाहिए और हमें भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक दायरे में रह गए तो हम उतना ही देखेंगे, दायरे के बाहर जाना। आप तो विदेश पहुंचे हैं, आपने आपका एक स्टोर दुबई में भी है, तो दुबई में रिस्पॉन्स क्या आता है? दुबई का स्टार्ट हो रहा है, बहुत लोग लेते हैं मुझसे वहाँ पे, और उन्हें देखिए आजकल सब ऑर्गेनिक होने लगा है, लोग खाने में ऑर्गेनिक ढूंढते हैं, मेकअप में ऑर्गेनिक ढूंढते हैं, हर चीज़ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होने लगा। और मैं तो प्योर ऑर्गेनिक कपड़े ही बनाता हूँ, शायद धागा होगा जिससे मैं सीता हूँ, कोई भी ये सिलाई होती है वो ऑर्गेनिक नहीं होगा, बट फैब्रिक जो होता है ऑर्गेनिक होता है। जैसे मैं डिस्कस भी कर रहा था, बनाना फाइबर का, ये हेम्प का, या फिर जूट का, या फिर बैम्बू का, वो सारे चीज़ों का फाइबर का फैब्रिक बन रहा है, उससे ऑर्गेनिक तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर वो हम पहने तो सिर्फ खान पीन में नहीं, मतलब आप पानी से लेके पहनावे तक हर चीज़ ऑर्गेनिक होगा, एक डिसिप्लिन हो जाएगा आपके लाइफस्टाइल में ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करने का। तो इसलिए सिर्फ हैंडलूम जैसे चीज़ें नहीं, बट ऑर्गेनिक ये जो नेचुरल फाइबर के हैं वो भी मैं बहुत प्रमोट करना चाहता हूँ और करूँगा। अभी आपका एम क्या है, टारगेट क्या है, क्या करने वाले हैं? और मतलब क्लोथ में एक बहुत बड़ा एक ऐसी भूख है, वाकई में आपने जो कहा था कि कपड़े एक ऐसी भूख है मिटती ही नहीं है, चाहे आप हो चाहे हम हो, आप बनाने के लिए हो हम पहनने के लिए हो, बट वो भूख कैसे क्लाइंट की मिटा पाते हो, आपके पास लोग आते हो? कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज लोग एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि कोई भी प्राइस बता दीजिए हम खरीदने के लिए तैयार हैं, बट जब आप एक्चुअल प्राइस में बताते हो सर इतना हो जाता है, मैं क्या आपने सपना देख लिया, सपना दिखा दिया, आपने बता दिया कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, बट उसका एक कॉस्ट होता है। जैसे मैं हर एक हमारे WDF के हर एक मेंबर को बताता हूँ कि आपका सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे वैल्यू बढ़ता है, नहीं तो वही कपड़ा अगर कहीं और टंगवा दोगे किसी और के नाम पे वो कम में जाएगा। बढ़ता क्यों है, आप कितने नोन हो, आपके कितने कपड़े बिकते हैं, आप कितने इंटरनेशनली नोन हो एंड कितने फेमस हो, उससे भी आपका सिग्नेचर का वैल्यू बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली। बट कभी कभी ऐसा होता है कि लोग
एक एक्सपेक्टेशंस होता है कि एक ब्रैकेट है उनका, तो मैं कभी कभार उसी ब्रैकेट में कर देता हूँ, तो दे ओके। मतलब आप का बजट क्या है उस ब्रैकेट में सब्यसाची की डिजाइनर ड्रेस आपको मिल जाएगी, आप एक बार आइए और मिलिए तो सही। आप हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने देखा और सुना, एक आम इंसान मगर सेलिब्रिटी, वो आप सबके लिए अवेलेबल है, बट एक बार सब्यसाची से मिलकर देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि बिग बॉस में जो एक साधारण सा ऐसा व्यक्ति जो ना किसी से लड़ा, ना किसी से कुछ कहा, कुछ हुआ तो खुद रो दिया और लेकिन जब उनकी डिजाइन की हुई ड्रेसेस मॉडल्स पहन के जब रैंप वॉक करती है तो लगता है कि ये कोई और डायनेमिक पर्सनालिटी होगी। तो ऐसे हैं हमारे सब्यसाची जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।